लाहौर के इलाके कोटलकपत से 12 साल बच्चे की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक बच्चे की शनाख्त हबीब के नाम से की गई है और बच्चे की वालिदा एक रोज कबल उम्रे पर गई थी। वालिद वफात पा चुका है। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने जमा करा दी गई है। लाहौर के इलाके कोटलकपत से 12 साल बच्चे की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक बच्चे की शनाख्त हबीब के नाम से हुई है। मुशर्रफ शाह हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीला जानते हैं। मुशर्रफ, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया कोटलकपत के इलाका बोस्तान कॉलोनी में पेश आया है, जहां 12 साल बच्चे की घर में लटकी हुई लाश बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि बच्चे की शनाख्त हबीब के नाम से हुई है। बच्चे की वालदा एक रोज कबल उम्रे पर गई, अपने रिश्तेदारों के साथ उम्रे पर गई है। बच्चे का वालिद फौत पा चुका है और इस वकूए के वक्त इसकी बहन इसके घर से बाहर गई और जब वो वापस आई तो उसकी लाश पंखे के साथ लटक रही थी। उसने 15 पे कॉल की और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाश कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने जमा करा दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद असल हकायक पता चलेंगे कि उसकी मौत खुदकशी से हुई है या उसे कत्ल करके लटकाया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका मुशर्रफ शाह।